हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। कि आज का जो टॉपिक है कि डिफीट को विन में कैसे बदलना है। वैसे तो हर आदमी की जिंदगी में सिचुएशन आती है, कभी डिफीट आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही आती हैं। हम लोग रोज एक नए चैलेंज के साथ दिन गुजारते हैं। एक जो मीडियोकर होता है, लूजर होता है, उसका बहाना होता है इकॉनमी खराब, कोविड आ गया इसलिए बिजनेस खराब हो गया, गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया खराब हो गया, हमारा तो देश ही खराब है, हम इसलिए यहाँ है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, अंबानी के घर में होता तो ये होता। और जहाँ जो सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग हैं, वो चाहे बहुत बहुत गरीब परिवारों से आए, मैं इंटरव्यू लेता हूँ कई लोगों के, बहुत स्ट्रगल से उठ के आए हैं, लेकिन उन लोगों को कोई एक्सक्यूज नहीं, उनकी उनकी सोच में अलग ही कुछ होता है, एंड ऊपर की सोचते हैं हमेशा, ऑलवेज बाउंस बैक। प्रॉब्लम तो सबको आती है, फेलियर सबको आते हैं, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट बाउंसिंग बैक, कि इसमें से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। सिनिक्स जो होते हैं, जो हमेशा नेगेटिव में, कई बार वो करता हूँ वेबिनार जब करता हूँ तो कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि भाई तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, फ्री में वेबिनार कर रहा हूँ, उसमें हम लोग अगला प्रोग्राम ऑफर करते हैं क्योंकि हम उसमें वैल्यू देते हैं, वैल्यू लगे तो आपको भरोसा जमे कि ये बंदे ठीक हैं, चलो इनसे और आगे सीख लें, तो लोग आते हैं। लेकिन उसमें भी अब आप बेच रहे हो, अब ये कर रहे हो, ऐसे ऐसे कमेंट दे के जाएंगे, तो उनका उनका मुझे पता है, मैं कहता हूँ भाई जरा आपने जाके बैंक अकाउंट देख लो, खाली मिलेगा, क्योंकि तुम ना बेच सकते हो ना किसी को बेचते देख सकते हो, यू कैन नॉट सेल एंड योर बैंक अकाउंट विल ऑलवेज बी एम्प्टी। तो बीइंग सेल्फ क्रिटिकल इज ओके कंस्ट्रक्टिवली, अपने को कोसना नहीं है, यू गॉट टू एनालाइज, इट्स ओके टू सेल्फ क्रिटिसाइज, अपना देखिए कि मुझे कहाँ गलतियां कर रहा हूं, बट कंस्ट्रक्टिवली। हम जो कोसते रहते हैं, मैंने कल परसों के सेशन में मिरर एक्सरसाइज कराई थी, तो हम कोसते हैं कि यार ये गलती, ये पार्टनरशिप ना की होती, वो ना की होती, कभी हम ये नहीं कहते इस पार्टनरशिप से मैंने क्या सीखा, अगली पार्टनरशिप कैसे करें। परसों एक मित्र हमारे पास आए थे, वो बोले स्टॉक मार्केट में मैंने 60 लाख घाटा किया, कसम खा ली। मैं कहा भाई घाटा करके तो जहां तेरा बटुआ अगर दिल्ली में घुमा कनॉट प्लेस में, तो कनॉट प्लेस में ही तो मिलेगा, तिलक नगर में तो मिलेगा नहीं। तो अगर स्टॉक मार्केट में गवाए हो, उसे उसे सीखना चाहिए कि क्या गलती हुई, उसे सीख के उसको दोबारा करो। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में नहीं कमाया, वॉरेन बफेट तो आज दुनिया के सबसे बड़े रिच आदमी, सबसे ज्यादा पैसा ही स्टॉक मार्केट में बनता है। आपसे गलती हुई, उस गलती से सीखिए, दोबारा थोड़ा थोड़ा करके रिस्क ना लेके लर्न कीजिए, किसी एक्सपर्ट से सीखिए। बिल्कुल नहीं मैं मानता स्टॉक मार्केट में पैसे गवाए जाते, नो वे, आई हैव नेवर नाउ लॉस्ट। मैंने भी नुकसान किया था 4-5 लाख का एक बार, उसके बाद कभी जिंदगी में नुकसान नहीं, लेकिन एक कसम नहीं खाई कि स्टॉक मार्केट बेकार चीज, स्टॉक मार्केट अच्छी चीज है, हमारी गलती थी, हम बेकार चीज है। ए फेलियर इज ए मैन हु हैज ब्लंडर्ड बट इज नॉट एबल टू कैश इन ऑन द एक्सपीरियंस, तजुर्बे से सीख नहीं रहा है, गलती हो गई, वो फेलियर है। जो तजुर्बे से सीख रहा है वो फेलियर नहीं है। फिर ब्लेम करना लक को, मेरे पास कितने इंटरव्यू के लिए आते हैं, बोलता है 50% लक, 50% हार्डवर्क। दोस्तों 100% हार्डवर्क, 100% हार्डवर्क, हर सिचुएशन को आप बदल सकते हैं अपनी सोच से, एवरी सिचुएशन यू कैन चेंज विद योर थिंकिंग। वॉरेन बफेट की कब बैड लक हुई, आज 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कब बैड लक हुई? एक आदमी 100% ऑफ टाइम, अगर आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखें तो 100% ऑफ टाइम कोई लकी नहीं हो सकता, 100% टाइम कोई लकी हो सकता है? नहीं, कोई नहीं हुआ, भगवान नाम नहीं थे, वनवास जाना पड़ा। तो वॉरेन बफेट, बिल गेट्स कैसे लकी है? क्योंकि उन्होंने भी गलतियां की और उससे सीखा। और वॉरेन बफेट आज भी कहते हैं ये गलत इन्वेस्टमेंट हुई, उससे मैंने सीखा, लेकिन जब सीखा, पढ़ा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करी, तो कैसे सक्सेस मिलेगी? अगर जो चीज हमें फेल कर रही वही चीज करते रहेंगे, हम हर रोज स्टॉक मार्केट में 1 लाख गवाते रहेंगे, कब तक गवाएंगे? कामयाबी तो नहीं मिलेगी जब तक हम उससे सीखेंगे नहीं। तो परसिस्टेंस विद एक्सपेरिमेंटेशन, लाइक P&E, परसिस्टेंस विद एक्सपेरिमेंटेशन इज द बिग लर्निंग कमिंग फ्रॉम। जो सबसे बड़ा बहाना है, थिंग्स आर टफ, TAT, थिंग्स आर टफ। भाई हजारों बिजनेस शुरू होते हैं हर साल, 5 साल में 5% क्यों सर्वाइव करते हैं? 95% फेलियर रेट है, 95%।
These are all quitters. ये वो लोग हैं जो बहाना और एक्सक्यूज देके निकल लेते हैं, भैया हमारे से नहीं चले। तो कई बार यू नीड टू बैक ऑफ, कोई चीज नहीं चल रही है, दो तीन दिन वैकेशन ले लो। हमारे एक दोस्त है, साल में महीने में 3 दिन वैकेशन लेते हैं। एक प्रेसिडेंट भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अमेरिका के। उनको रिपोर्टर से बोला, आप इतनी वैकेशन लेते हो, भैया मेरा कहता दिमाग फ्रेश रहता है, मैं वैकेशन लेता हूँ। तो महीने में 3 दिन ले सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 3 महीने में 3 दिन तो ले ही लें कम से कम। मैं जब इधर, जिस टाइम मुझे लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, दिमाग चलना बंद हो गया, मेरे ऑफिस में सोफा लगा है, जो लोग आए हैं, जाके वहाँ 1 घंटा सो जाता हूँ, सब छोड़ के बंद करके सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ फिर फ्रेश। ओवरबर्डन कभी भी नहीं करता अपने को मैं किसी भी टाइम। So you see in any situation what you expect to see. ये आज का मेरा final lesson है दोस्तों। You see in the situation what you expect to see, because आप अपनी story को सही साबित करेंगे हमेशा। आपको अगर bad luck साबित करनी है तो आप bad luck साबित करके रहेगा आपका दिमाग। कल मैंने ये का example दिया। आपको economy bad, मुल्क bad, मोहल्ला bad, country bad, city bad, सिचुएशन बैड, पेरेंट बैड, जो भी आप जिसको देखेंगे वही आपको दिखाई देता रहेगा, और बार बार दिखेगा और रोज रोज दिखेगा, ताकि आप कहेंगे देखा मैं सही कहता। सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो सिचुएशन वुड यू लाइक टू सी? सक्सेस। ऑलवेज सी सक्सेस। दैट सक्सेस थॉट से दिमाग में डिपॉजिट करते रहिए हमेशा। आई विल ऑलवेज बाउंस बैक। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर। जो खैरात में मिली कामयाबी, जो खैरात में मिली कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता दोस्तों, हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी भी हुनर की, फिर कदर ना होती किसी भी हुनर की, और ना हो कोई शख्स लाजवाब होता आपके लिए। बुलंद हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों को ही आ। भगवान किस कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होगा, गीता में भी लिखा है। तो आप जब पीछे मुड़ के अपनी, आज भी मैं गारंटी लेता हूं, सारी मुश्किलों को, मेरा 22 करोड़ का दोस्तों घाटा हुआ, फिर भी मैं शुक्र गुजार। 22 करोड़ के घाटे के बाद 2001 में मेरा मकान बंगला था बहुत बड़ा, 865 गज का, वो बिक गया। फैक्ट्रीज बिक गई, कई 100 करोड़ के एसेट बिक गए, जो आज कम से कम 500 करोड़ के भी हों। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे तजुर्बा मिला बहुत बढ़िया, और अब जो जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, जो अब जो सक्सेस को इंजॉय करने का मजा आ रहा है, वो अलग अपना ही है। प्लस और लोगों को, आप सब लोगों को उस ज्ञान से, उस गिफ्ट से मैं जो सक्सेस हासिल करा सकता हूँ, जो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और कई लोगों को मिल रही है। कितने लोग हैं जो टेस्टिमोनियल हैं, 50 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 19 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो सबको, सबकी जो मुझे खुशी मिलती है, उसके पीछे ये मेरे नुकसान ही है दोस्तों। ये तजुर्बा ही है जिसकी वजह से मैं इतना कुछ दे पाता हूँ 1-to-1 में। लोग लाइन लगाए खड़े हैं, 2 महीने कैलेंडर बुक है 1-to-1, 2 महीने मिलती नहीं जगह।